और उनको हमारा परमिशन का थोड़ी ना जरूरत है। वैसे हुआ कहाँ है? हमारी बहन महुआ सुबह से लापता है और हमको शक है कि पराग का हाथ है ये सब में। अच्छा, आपको ऐसा कैसे लगता है? हम लोग सुबह भोर अर्घ के लिए निकलने का तैयारी कर रहे थे, वो पड़ोस के यहाँ पर अदरक का पौधा ढूंढने गई थी और तब से वो लापता है। तो लापता होने से पहले पराग का नाम ली थी। ओ, आप जी अस्पताल में मिले थे? अस्पताल में, अभिमन्यु बाबू। प्रणाम प्रणाम। कहाँ काम करते हैं आप? जी PWD में असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं। अरे वाह, आप तो समझदार हैं, है ना? देखिए, हम तो ये कानून के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं रखते हैं, लेकिन तो ये निमकी जी कहीं कि महुआ पराग का नाम ली, तो क्या उससे साबित हो जाता है कि पराग ही अगवा करके ले गया है महुआ को? जी दरअसल देखिए गंगा देवी जी, बाकी कुछ नहीं पता हमको, हम आपको बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन अगर ये मैटर में पराग का हाथ हुआ ना, तो कसम से कह रहे हैं छोड़ेंगे नहीं उसको, भूल जाएंगे कि वो गंगा देवी जी का बेटा है। ये बार सिर्फ थप्पड़ मारने तक नहीं रुकेंगे। शंकर जी। जी मैडम। अगला बार से ध्यान रखिएगा कि ये लड़की नमकीन कुमारी उर्फ निमकी हमरे घर नहीं आनी चाहिए, और अगर आती भी है ना, तो थोड़ा चाल में आदर होना चाहिए, और ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो गंगा देवी के घर में जा रही है। जो लोग हमसे ऐसा ऊंचा आवाज में बात करते हैं ना, हम दोबारा उनका शक्ल देखते नहीं है और ना ही दूसरा लोग देख पाते हैं। हम भी कोई ऐसे वैसे नहीं है गंगा देवी जी, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हमको किससे का खतरा है, और आपको भी हम बहुत अच्छा से जानते हैं। अच्छे से जानती है हमको तो ये भी जरूर जानती होंगी कि अगर पराग आपकी बहन महुआ को उठा कर ले गया है और ये बात सच है, तो हम ही वो पहले इंसान होंगे जो उसको सजा देंगे। प्रार्थना करते हैं कि आपका बहन आपको जल्दी मिल जाए। बहुत बेइज्जती हो गया, इस वक्त हमारे लिए महुआ जी को ढूंढना ज्यादा जरूरी है। ये पराग बाबू है ना, बाद में देख लेंगे इनको। मैंने बाबू, अगर पराग का हाथ हुआ ना, हम कहें ना निमकी जी, हम छोड़ेंगे नहीं, चाहे किसी का कितना भी पहचान क्यों ना हो, इस वक्त यहाँ रहेंगे ना कुछ नहीं मिलेगा, महुआ जी को ढूंढते हैं। चलिए निमकी जी, इंस्पेक्टर जी का मैसेज आया, वो जो ब्रेक लगा गाड़ी है ना, उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन पता चला, शायद उनको महुआ के बारे में और कुछ पता लग जाए। चलिए यहाँ से, चलिए निमकी जी आइए ना, चलिए। सुंदर तो बहुत है, सोच रहे हैं कि खबरदार जो कोई उसको हाथ लगाया। भूखी थी ना हमरे मुंह पर, सबसे पहले खींचेंगे उसका जबान, फिर कुट्टी कुट्टी काट कर उस नाला में बहा देंगे। हाँ मम्मी बोलो। महुआ को उठाए हो का? का? ये का पूछ रही हो? हम पूछ रहे हैं कि तुम निमकी की बहन महुआ को उठाए हो का? कैसा बात कर रही हो मम्मी, हम का उठाएंगे किसी को? ठीक है, मान लेते हैं तुम्हारा बात,
बाकी उस लड़की को अगर तुम उठाए हो ना तो उसके साथ कुछ करने से पहले ये बात का ध्यान रखना, तुम्हारा जान भी जा सकता है। और वो जान हम लेंगे। अरे क्या हुआ पराग? अबे यार हमारी मम्मी को हम पे शक हो गया है। अब वो छौड़ी को जल्दी से जल्दी हमरा अड्डा से हटवाना पड़ेगा। काहे कि हमारी मम्मी के पास है तीसरा आंख। सबसे पहले वो अपना आदमी को हमरे अड्डे पे ही भेजेगी। एक तो आइडिया आ रहा है दिमाग में। का? वो छोड़ी को अपने मम्मी के अड्डा पर भिजवा दो तो मेरा अड्डा पर बाकी जगह खुजवाएंगी, अपने अड्डा पर थोड़ी ना खुजवाएंगी। बात तो एकदम है परफेक्ट बोले तो। ए, ध्यान से सुन, उसको वहां से जल्दी से उठा और मम्मी के पुराने गोदाम में बांध दे। काम होता ही फोन कर। इंस्पेक्टर जी बता रहे थे इस ग्रे गाड़ी के बारे में टुन्ने बाबू बात कर रहे थे ना, वो सुबह सुबह यहीं से गया है। दिन बाद तो हम और मऊआ एक दूसरे को गले लगा के रोए, एक दूसरे से अपने दिल का बात कहे, दिल खोल कर। मिनट सब में हम दोनों के बीच का दूरी खत्म हो गया। उनको लगा सब कुछ अच्छा अच्छा होगा, लेकिन देखिए क्या हुआ। कहाँ हो मऊआ? बचाओ! छोड़ो! छोड़ो! कोई है? बचाओ! छोड़ो! सब ठीक हो जाएगा। हम बोले ना बाबा जी को ढूंढ लेंगे हम। नहीं अभी मेरी बाबू, ये तो हम जान लिए हैं कि जब भी हम किसी के करीब आने का कोशिश करते हैं ना, वो इंसान हमसे और दूर चला जाता है। कोई है? बचाओ हमको! चुप हो जाओ बेटी, इतना काहे चिल्ला रही हो? भागने का कोशिश करके काहे मुसीबत बुला रहे हो बेटा? पहले ही मार खा खा के तुम्हारा एक हाथ खराब हो चुका है। तुम्हारा स्पीड रोकने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। अब नहीं करेगा भागने का कोशिश, और तुम भी ऐसा बेकार का कोशिश मत करना।